आइए हम अपनी स्वयं सुरती की ओर चलें, हम मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरते चलें, बाहर से भीतर की ओर। ये पावन पवित्र जीवन यात्रा आपके भीतर को प्रकाशमान करती चली जाए। अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड हो जाना, देखने की क्षमता, देखने का पोटेंशियल जगाए रखना। तुम स्वयं देखने वाले हो, तुम स्वयं दृष्टा साक्षी हो, तुम स्वयं नॉन डुअर एंटिटी हो। आप अपने स्वभाव में, अपनी सुरती में, लगातार रहना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही आपका देखना उद्घाटित होता है, आप स्वतः ही देखने लगते हैं, बहुत नेचुरल, स्वाभाविक रूप में आप देख ही रहे हैं। ये देखना जारी रहे, जागे जागे रहना। हर ओर से हटकर के तुम यहां विराजमान हुए हैं तो भीतर भी चारों ओर के फैलते हुए माइंड से थोड़ा हट के रहना। माइंड की गति को, माइंड की एक्टिविटी को, माइंड के स्वभाव को देखने वाले होना। तो माइंड नहीं हो, तो माइंड को देखने वाले हो। एक न्यूट्रल एनर्जी हो, निष्पक्ष ऊर्जा हो। आप अपने स्वभाव में रहना, अपने स्वभाव की स्मृति, सेल्फ रिमेम्बरेंस आपके भीतर को अंधेरों से, नेगेटिविटी से, माइंड के फैले हुए इस जाल से स्वतंत्र करती है। माइंड से हटते चले आना, विचारों की गति को देखने वाले होना, लगातार जागे रहना। अपनी ओर जागे जागे रहने मात्र से, देखने मात्र से तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर, वेल पावर, फिटनेस पावर, कंटेम्प्लेशन पावर, थिंकिंग पावर, तमाम माइंड्स पावर्स अपने आप डेवलप होती चली जाती हैं, अपने आप तेरे हाथ लगती चली जाती हैं। जागे रहना, मन के स्वभाव को अच्छी तरह से समझ लेना, अच्छी तरह उसकी एक्टिविटी को भांपना, अच्छी तरह पहचान लेना अपने माइंड की स्टेट को। बहुत अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लेना अपने भीतर की। भीतर तो है कहां, इस मन के संसार में तो कहां है, इस मन के फैलाव में तो कहां खड़ा है। आप स्वयं देख लेना कहां हो आप। आप कहीं भी नहीं मिलोगे, माइंड ही माइंड होगा चहु तरफ, आपको अपना आप कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हम खो चुके हैं, हम माइंड ही हो गए। अपने को खोजना, अपने को ढूंढना, अपने को लब लेना, अपने को उपलब्ध होना एकमात्र तेरा एडवेंचर है, एकमात्र उपलब्धि, तेरी सफलता। माइंड के साथ पुनः पुनः आइडेंटिफिकेशन होती है, पुनः पुनः हम माइंड के साथ जुड़ जाते हैं, पुनः पुनः हम माइंड ही हो जाते हैं, माइंड के हिप्नोटिज्म में, माइंड की गोदी में खो जाते हैं। परंतु पुनः पुनः उठना, पुनः पुनः जागना, बार बार वापस
अपने स्वभाव में तैनात हो जाना, तो हम पुनः पुनः अपनी थर्ड आई में अपने स्वभाव में स्टे करना। हमारा स्वभाव, हम सबका स्वभाव सच्चित आनंद एग्जिस्टेंस नॉलेज ब्लिस की त्रिवेणी है। एग्जिस्टेंस नॉलेज ब्लिस, इस त्रिवेणी में स्नान करना सदा के लिए सुखी हो जाना, सुखद स्वस्थ जीवन की आभा। आपकी थर्ड आई में, आपकी स्वाभाविक स्थिति में निरंतर लहला दिए, आप देखते रहना जो भी आपके समक्ष आपके सामने से गुजरता है। ये विचारों की डस्ट, ये विचारों की धूल, ये यूजलेस थॉट्स का चहुओर फैला हुआ जाल, आप जाके जाके देखते रहना। केवल देखना ही तो है, और वो देखना स्वाभाविक, और कुछ करना नहीं, अपने स्वभाव में रहना है। एक मात्र तेरा जीवन है, निष्पक्ष ऊर्जा होकर के रहना, और जो भी भीतर के तल से उठ रहा है, हो रहा है, स्वतः घटित हो रहा है, उसको देखने वाले होना। चाहो और माइंड का पसारा है, माइंड का विस्तार है, आप कहीं रुकना जाना, कहीं ठहरना जाना, कहीं इंडल्ज ना होना, कहीं इन्वॉल्व ना होना, हो जाते हो पुनः पुनः जागना, सेल्फ रिमेम्बरेंस में आना, लगातार अपनी ओर पुनः पुनः जागना, वही देखना जो हो रहा है, अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, अपने माइंड को कहीं भी फोकस नहीं करना, अर्थात माइंड को छेड़ना ही नहीं, माइंड के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना, माइंड के साथ कोई किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करना, तनिक मात्र भी इसको इंटरफेयर नहीं करना। ये पास्ट में जाए जाए, फ्यूचर में जाए जाए, आप अपनी खबर रखना, अपनी खैर रखना, आप अपने स्वभाव में रहना। जो ही आप अपने स्वभाव की ओर लौटते हो, माइंड अपने आप स्टे करने लगता है, माइंड अपने आप शांत मौन मुदित भाव में उतरने लगता है। थोड़ा सा तादात्म्य टूटते ही, थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन विदा होते ही आप हैरान रह जाओगे, माइंड अपने आप शांत होता चला जाता है, अपने आप स्टे करता है, ठहरता चला जाता है, रुकता चला जाता है, स्वयं आपके प्रति समर्पित होने की रसायन को उपलब्ध होता है। हमें माइंड को झुकाना नहीं, हमें माइंड को अपना गुलाम नहीं बनाना, हमने माइंड को कदाचित भी सुप्रेस नहीं करना, माइंड को अपनी आजादी में रखना, परंतु तुम स्वयं अपनी आजादी, अपनी स्वतंत्रता, अपने स्वभाव को संभालना। तुम क्यों खो जाओ, मालिक होकर के तुम गुलाम बनो, मालिक होकर के तुम माइंड की गोदी में सो जाओ, और माइंड को तमाम पावर्स प्रदान करके इसको अपना मालिक बना के जियो। जो ड्यूअलिटी का रूप है उसको तुम अपना मास्टर स्वीकार कर लो, इससे बड़ी बुद्धिहीनता क्या हो सकती है, इससे बड़ा भटकाव और क्या हो सकता है, इससे बड़ी अज्ञानता और क्या हो सकती है। यही है एकमात्र अविद्या अज्ञानता का अंधेरा। हमें माइंड से हट करके रहना है, हमें माइंड के प्रति जागे जागे माइंड से स्वतंत्र होकर रहना है।
हमें अपने स्वभाव में रहना है। माइंड जैसा मैटर अपने स्वभाव में है, हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं। अपनी सुरती में रहना, जिंदगी का सफर करने वाली अपने मन का अपने भीतर का अपने मन का दिया तो जला ली। जिंदगी का सफर करने वाली अपने मन का दिया तो जला ली। जो बड़े बड़े शिखरों के मालिक के हाथ नहीं लगा, वो साधारण से साधारण व्यक्ति के हाथ लग सकता है। ये अधिकार, ये हक, ये प्रिविलेज सबको बराबर मां की पेट से उस परम पितु ने प्रदान किया है। हम सबके पास बराबर सक्षमता, बराबर का पोटेंशियल, बराबर पॉसिबिलिटी है। हम सब परिपूर्ण हैं अपनी क्षमता में। हम सब धन्य धन्य हैं, पूरे धनवान हैं, पूरी तरह से संपदावान हैं। अपनी अस्तित्व की धारा में हमें पूरा अधिकार है, पूरा हक है सुखपूर्ण स्वस्थपूर्ण जीने का, अपने भीतर के अंधेरों को दूर करने का बराबर अधिकार है, अपना भीतर जगमगाने का अवसर सबके द्वार पर बराबर उतरा है। केवल मात्र थोड़ा सा अपनी ओर जागने का रसायन चाहिए, अपनी ओर जगमगाने की दिशा और उसका भान चाहिए। क्यों ना तुम अपने जीवन की संपदा को संभालोगे, क्यों ना तुम अपने शिखरों को जगमगाओगे, अगर तुम्हें मालूम हो गया, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि संपदा, परम संपदा भीतर मिलती है, बाहर नहीं। बाहर सब सहायक हो जाए, हेल्पफुल हो जाए, अपने भीतर की जगमगाते हुए जीवन की उपलब्धि में, जिसे मौत भी मिटा नहीं सकती, वह शिखर तेरे पास है। इसी जन्म में ही उन शिखरों को उपलब्ध करना, अगला जन्म किसी ने नहीं देखा, पोस्टपोन करने की कोशिश मत करना। दुनिया भर में तुम सभी कार्य को प्रायोरिटी देते हो, इसको तुम पोस्टपोन करता हो, इसलिए मनोरोग हृदय रोग आया है। भारत भूमि के कण कण में ये संस्कृति छलकती है, ये वाइब्रेशन छलकती है। अगर तुम थोड़ी सी दिशा अपने आप की, अपने भीतर की उपलब्ध कर लो, ये दिशा जीवन की थोड़ी सी तुम संभालो, सारा ब्रह्मांड कुर्बान हो जाएगा, सारा विश्व कुर्बान हो जाएगा। थोड़ा सा निर्भरता अपनी ओर, थोड़ी सी डिपेंडेंस अपनी ओर, थोड़ा सा आत्मनिर्भरता का तल, थोड़ा सा जगमगा लो, अपनी अस्तित्व से कनेक्ट हो जाओ, अपना जागरण, अपने होश, अपनी सुरती को संभालो। थोड़ी सी दीपिका भीतर भी जला लो, थोड़ा थर्ड आई जगमगा लो, इसको भी थोड़ी सी प्रायोरिटी दीजिएगा, थोड़ी प्राथमिकता दीजिएगा, थोड़ा इससे भी कनेक्ट होकर के देख लीजिएगा, थोड़ा इसको भी अवसर प्रदान कीजिएगा, तो हम स्वयं अनुभव करोगे अपनी बेटरमेंट को। जिंदगी का सफर करने वाली अपने मन का दिया तो जला ली, भीतर का दिया तो जला ली, अंतस का दिया तो जला ली। जिंदगी का सफर करने वाली अपने मन का दिया तो जला ली, जिंदगी का सफर करने वाली
अपने मन का दिया तो जला ली जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले जिंदगी का सफर करने वाली अपने मन का दिया तो जला ली जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले बाहर लाखों दिए हैं जलाए भीतर का दिया तो बुझा है जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले जग में तुझको अकेला है चलना बहुत मुमकिन है गिरना संभलना जग में तुझको जग में तुझको अकेला है चलना बहुत मुमकिन है गिरना संभलना गिर के गिरना गिर के गिरते रहना गिर के गिरना कछु बात नहीं है है बड़ी बात गिर के संभलना है बड़ी बात गिर के संभलना बात जागो की मन में बसाली बात जागो की मन में बसाली भीतर का अंतस का दिया तो जलाली जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जलाली अपनी खोज अपनी तलाश सुपर साइंस है अपने से पहचान अपनी जानकारी अपनी खबर रखना अपने शिखरों की ओर बढ़ते हुए तो बाहर क्रमशील होना आप अपना जागरण अपनी होश अपनी सुरती को संभाले हुए संसार में उतरना और अगर तुम किसी कर्म क्षेत्र में उतरते हो तो वहां जागरण होश रखना तुम हर कर्म क्षेत्र में सफलता प्राप्त करके आओगे हर एक रोल की अदायगी में तुम सदा सफल रहोगे अगर तुम्हारे पास जागरण हो सुरती का आलम है अगर तेरे पास जगमगाती हुई थर्ड आई है ये कनेक्शन तेरे पास है तो दुनिया का कोई हालात तुम्हें गुलाम नहीं बना पाएगा दुनिया के किसी भी हालात में आप फंसोगे नहीं आप कदाचित भी वही नहीं रह जाओगे आप एकदम उस हालात के प्रति उठोगे और उस हालात के मालिक बनकर की जियोगे बाहर की इस क्षेत्र में कर्म क्षेत्र में तुम सदा सदा के लिए पूरा पोटेंशियल पूरी कैपेबिलिटी पूरी शार्पनेस बाहर की डस्ट तुम्हें छू नहीं पाएगी थोड़ा सा जीवन दिशा की ओर बढ़िए थोड़ी प्रायोरिटी अपने आप को जगमगाने की रखिए थोड़ा अपने भीतर के पहलू को इंट्रोवर्ट पहलू को थोड़ी अंतर्मुखता को संभालिए थोड़ा थर्ड आई को भी महत्व देकर के देखिए थोड़ा थर्ड आई को भी एक्सप्लोर कीजिए आप उसकी उपयोगिता को भी पहचानिए
आप अपने भीतर के अंधेरों के प्रति, माइंड के प्रति, यूजलेस थॉट्स के प्रति सदा सजग रहिएगा। यही तेरा धर्मा है, यही एकमात्र तेरा अस्तित्व है। अपना ध्यान भीतर भी रखिए बंधु, सारा बाहर मत उड़ेल दीजिए, नहीं तो परिणाम स्वरूप में नेगेटिविटी हाथ लगेगी। बैलेंस ब्लेस कदाचित भी तेरे हाथ नहीं लगने वाला अगर तुम केवल बाहर को ही प्रायोरिटी देते रहोगे। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर। अरे ओ प्यासे दीवानो खोजियो, डायरेक्ट कनेक्शन रखना, डायरेक्ट कनेक्शन रखना इन वाइब्रेशन के साथ। डायरेक्ट इनविटेशन दे रहे हैं आपको, डायरेक्ट अपना कनेक्शन रखना अपनी प्यास लगन उत्कंठा को और अधिक अगन देने के लिए, और अधिक अपनी गहराइयों को छूने के लिए, और अधिक अपनी जीवन जोत जगाने के लिए। प्यास लगन उत्कंठा की महान जगमगाती ज्योत को, तुम इस दीपिका को और अधिक ऑयल देना, गैस देना चाहते हो तो डायरेक्ट कनेक्शन रखना। ओ प्यासे दीवानों पतंगों परवानों की तरह चलना, कभी भी दाएं बाएं मक्खियों मच्छरों के हाथ मत लगना, नहीं तो थोड़ी सी उठी हुई प्यास, थोड़ा सा उठा हुआ प्रेम, थोड़ी सी उठी हुई प्रायोरिटी भी बुझ जाएगी, क्योंकि ये मार्ग डायरेक्ट है जहां वो स्वयं विराट तुझे चलाता है। इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की वारे वाला बादशाह, वारे वाला मस्ती के बादशाह। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग जिसमें है, वो राख का ढेर है। वो बंदा नहीं राख का ढेर है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। वो बंदा नहीं राख का ढेर है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। वो बंदा नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। शराबी को हन फिर पिला सा किया, यह पीने पिलाने का सब्जेक्ट स्पिरिचुअलिटी, यह एकमात्र पीने पिलाने का सब्जेक्ट, वाइब्रेशन का सब्जेक्ट, एकमात्र मैकदा मैखाना छलकता हुआ पैमाना जाम दर जाम भरता चला जाता। अरे ओ साकी पकड़ सुराही और दिल का जाम ले साकी,
अपनी सुराही उड़ेल, मेरा दिल का जाम तेरी सुराही के आगे मुंह खोल करके रहेगा। दिल का जाम ले साकी, उठा सुराही और पीने पिलाने के दौर में उतरा। शराबी कोहन फिर पेला साकिया, शराबी कोहन फिर पेला साकिया, वही जाम गर्दिश मिला साकिया, वही जाम गर्दिश मिला साकिया। शराबी कोहन फिर पेला साकिया, साकिया 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 साकिया। शराबी कोहन फिर पेला साकिया, शराबी कोहन फिर पेला साकिया, वही जाम गर्दिश मिला साकिया, वही जाम गर्दिश मिला साकिया। जिगर पर वही तीर फिर से चला, जिगर पर वही तीर फिर से चला, बहादे तो चश्माए वैदत खुदा, बहादे तो चश्माए वैदत खुदा। इश्क की आग जिसमें भी है वो बंदा नहीं राख का ढेर है, मुझी इश्क की आग जिसमें भी है वो बंदा नहीं राख का ढेर है। मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा साकिया, साकिया साकिया साकिया। मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर चला, मेरी खाक जुगनू बना कर चला। ना आया हमें इश्क करना, ना आया, ना आया, अरे माइंड से करते रहे, ना आया हमें इश्क करना, ना आया, ना आया हमें इश्क करना, ना आया। मरे उम्र भर फिर भी मरना ना आया, मरे उम्र भर फिर भी मरना ना आया, दौड़े उम्र भर फिर भी जीना ना आया, दौड़े उम्र भर फिर भी जीना ना आया, और भागे उम्र भर फिर भी जीना ना आया, दौड़े उम्र भर फिर भी जीना ना आया। आया हमें इश्क करना, ना आया, ना आया हमें इश्क करना, ना आया, मरे उम्र भर फिर भी मरना ना आया, मरे उम्र भर फिर भी मरना ना आया। मुझी इश्क की आग जिसमें भी है वो बंदा नहीं राख का ढेर है, इश्क की आग जिसमें भी है वो बंदा नहीं राख।